ITBM सेकंड स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर ऑफ MIS का स्टडी स्टार्ट किया था, ठीक है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम उसी के कंटिन्यू करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो सी पार्ट है, दैट इज़ बेस ऑन द आउटपुट फॉर यूज़र, इसका स्टडी स्टार्ट किया था, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट है, दैट इज़ द ट्रांजैक्शनल डॉक्यूमेंट्स आर द फॉलोइंग टाइप्स, ठीक है। तो ट्रांजैक्शनल डॉक्यूमेंट्स के यहाँ पे टाइप्स दिए गए। फर्स्ट टाइप है इंफॉर्मेशनल, सो इन दैट रिपोर्ट्स और कन्फर्म्स दैट एक्शन दैट विल बी और हैज़ बीन टेकन, ठीक है। तो यहाँ पे रिपोर्ट्स जो है वो कन्फर्म किए जाएंगे, सो दैट इज़ अंडर द इंफॉर्मेशनल ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंट। देन सेकेंड वन विल बी द एक्शन, सो इन दैट रिक्वेस्ट और इंस्ट्रक्शंस फॉर द एक्शन इज़ टू बी परफॉर्म। थर्ड वन इज़ द इन्वेस्टिगेशनल, सो इन दैट रिपोर्ट एक्सेप्शंस, एरर्स और अदर कंडीशन दैट मे रिक्वायर इन्वेस्टिगेशन, सो यूज़ फॉर द कंट्रोल एंड फ्यूचर रेफरेंस, ओके। देन नेक्स्ट टाइप विल बी द सेकेंड वन विल बी द रिपोर्ट्स इंक्वायरी रिस्पॉन्सेज एंड डायलॉग्स रिजल्ट्स प्रोवाइड फोर टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे रिपोर्ट्स और इंक्वायरी रिस्पॉन्स एंड डायलॉग रिजल्ट्स, इसमें चार टाइप्स है। फर्स्ट वन इज़ द मॉनिटरिंग इंफॉर्मेशन, मॉनिटरिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर प्रॉब्लम फाइंडिंग डायग्नोसिस एंड मे लीड टू एक्शन, बट नो एक्शन इज स्पेसिफाइड बाय द इंफॉर्मेशन इट्सेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा, ठीक है, प्रॉब्लम फाइंडिंग के लिए उसको मॉनिटर किया जाएगा एंड डायग्नोसिस एंड मे लीड टू बी अ एक्शन, ओके। सेकंड वन इज़ द प्रॉब्लम फाइंडिंग इंफॉर्मेशन, द इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इन अ फॉर्मेट दैट प्रमोट्स द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन यूज़ होगा, सो दैट विल बी अ प्रॉब्लम फाइंडिंग इंफॉर्मेशन। थर्ड टाइप इज़ द एक्शन इंफॉर्मेशन, द इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड विद द एक्शन स्पेसिफाइड और इम्प्लाइड, ठीक है। तो जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रेजेंट होगा एक्शन इन्फॉर्मेशन में, सो रिगार्डिंग दैट द एक्शन विल बी स्पेसिफाइड बाय यूजिंग दैट इन्फॉर्मेशन। फोर्थ वन इज द डिसीजन सपोर्ट, द रिपोर्ट इंक्वायरी रिजल्ट और द डायलॉग इज ओरिएंटेड टू परफॉर्म द एनालिसिस एंड मेकिंग अ डिसीजन, ठीक है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन या इंक्वायरी या जो भी रिजल्ट या रिपोर्ट यहाँ पे फॉर्म होगा, सो दैट इज एनालाइज एंड मेक द डिसीजन अकॉर्डिंग टू दैट इंफॉर्मेशन। सो प्री प्लान रिपोर्ट्स हैव अ रेगुलर कंटेंट एंड अ फॉर्मेट आर यूजली रन ऑन द रेगुलर शेड्यूलिंग बेसिस, सो दैट इज़ अ डिसीजन सपोर्ट। थर्ड वन इज द प्रिपेयर्ड एट अ गिवन टाइम, दे रिफ्लेक्ट वन ऑफ द थ्री कंडीशन विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम पीरियड दे कवर। सो द फर्स्ट कंडीशन इज दे डिस्क्राइब द स्टेटस और कंडीशन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। सेकेंड वन, दे समराइज वॉट हैव ऑकर्ड ड्यूरिंग अ पीरियड सच एज वीक, मंथ और ईयर। थर्ड वन, दे रिप्रेजेंट द रिजल्ट टू डेट एंड प्रोजेक्ट टू द एंड ऑफ द पीरियड। मीन्स यहाँ पे टाइम गिवन दिया हुआ है, ठीक है। मीन्स दे रिफ्लेक्ट वन ऑफ द थ्री कंडीशंस, यहाँ पे थ्री अलग अलग कंडीशंस दिए, सो दैट विल डिपेंड ऑन द टाइम पीरियड। सो द फर्स्ट इज द कंडीशन एट दैट पॉइंट इन अ टाइम। सेकेंड इज द टाइम पीरियड सच एज अ वीक, मंथ और ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे मंथली, वीकली या ईयरली टाइम पीरियड दिया है समराइजेशन के लिए, ठीक है। थर्ड वन कंडीशन इज द दैट इज़ द प्रोजेक्ट टू द एंड ऑफ द पीरियड, ओके। तो यहाँ पे जो भी रिजल्ट है वो डेट या एंड ऑफ द पीरियड पे यहाँ पे डिक्लेयर होगा, ठीक है। सो दीज आर द थ्री कंडीशंस फॉर द टाइम पीरियड दैट विल बी अ कवर्ड। एंड द फोर्थ वन इज़ द एड हॉक रिक्वेस्ट आर हैंडल इन टू वेज, ठीक है। तो यहाँ पे टू वेज दिए हुए, हाउ दैट एड हॉक रिक्वेस्ट कैन बी हैंडल। सो द फर्स्ट वे इज द यूज़र मे बी प्रोवाइडेड विद द मीन दैट इज़ इंक्वायरी लैंग्वेज फॉर प्रिपेयरिंग एंड प्रोसेसिंग द रिक्वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो यूज़र है, ठीक है, तो उनको यहाँ पे लैंग्वेज का सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है रिगार्डिंग द इंक्वायरी, ओके, और द प्रोसेसिंग ऑफ द रिक्वेस्ट। सेकेंड वे इज़ द एन इंफॉर्मेशन सर्विस मे बी अवेलेबल टू प्रोसेस द एड हॉक रिक्वेस्ट, ठीक है। तो सेकेंड वे में जो इंफॉर्मेशन सर्विस है दैट विल बी अवेलेबल फॉर द प्रोसेस ऑफ द
request from the user end. Okay. The next topic of syllabus is the reason of failure of MIS. ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टडी करेंगे कि क्या क्या रीजन से मेन जिसकी वजह से MIS जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो फेल हो सकता है. ठीक है, तो वो रीजंस का हम यहाँ पे डिटेल में स्टडी करेंगे. ठीक है, सो देर आर फोर मेजर कैटेगरीज ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम फेल्यूर अकॉर्डिंग टू द लिनियन एंड हिरेशियम, दैट इज 1987. द कैटेगरी आर एज फॉलोज. ठीक है, तो यहाँ पे फोर मेन रीजंस को कैटेगराइज किया गया है फॉर द फेल्यूर ऑफ द MIS सिस्टम. ठीक है, तो इसका हम वन बाय वन यहाँ पे डिटेल में स्टडी करेंगे. सो द फर्स्ट इज द प्रोसेस फेल्यूर. दिस ऑकर्स वेन द इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोजेक्ट कैन नॉट बी डेवलप विद इन द अलोकेटेड बजट एंड और अ टाइम शेड्यूल. ठीक है, तो फर्स्ट जो है प्रोसेस फेल्यूर. ठीक है, तो यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोजेक्ट होगा, ठीक है, सो दैट कैन बी नॉट डेवलप विद इन अ अलोकेटेड बजट. ठीक है, तो जो भी एक बजट फॉर्म होगा, ठीक है, कॉस्टिंग का, तो उस अलोकेटेड बजट में अगर वो फॉर्म नहीं होता है या डेवलप नहीं होता है, सो दैट विल बी अ प्रोसेस फेल्यूर. और सेकंड रीज़न जो है वो टाइम शेड्यूल. जो भी टाइम शेड्यूल दिया है, टारगेट दिया है टाइम का, ठीक है, विद इन दैट टारगेट दैट प्रोजेक्ट शुड बी अ कम्प्लीटेड और डेवलप. ठीक है, अगर वो डेवलप नहीं होता है तो दैट इज़ द रीज़न ऑफ प्रोसेस फेल्यूर. सो द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट रिजल्ट्स इन ओवर स्पेंडिंग इन बोथ कॉस्ट एंड टाइम. ठीक है, तो ये जो है कॉस्ट एंड टाइम पे डिपेंड है प्रोसेस फेल्यूर. सेकंड वन इज़ द करस्पॉन्डिंग फेल्यूर. सो दिस ऑकर्स वेन ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स ऑफ द सिस्टम डिजाइन आर नॉट मीट. ठीक है, तो एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इट्स गोल. ठीक है, और एवरी प्रोजेक्ट हैज़ इज ऑब्जेक्टिवस. ठीक है, तो ऑब्जेक्टिवस एंड गोल्स जो है, ठीक है, फॉर एनी कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन, इफ़ द सिस्टम डिज़ाइन डजेंट मीट दैट ऑब्जेक्टिव एंड द गोल्स, देन इट विल बी अ करस्पॉन्डिंग फेल्यूर. थर्ड इज़ द इंट्रैक्शन फेल्यूर. सो दिस एट्रीब्यूट टू द लेवल ऑफ एंड यूजर यूसेज और एडेप्शन और एक्सेप्टेंस ऑफ द इम्प्लीमेंटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम. सो यूज़र एटीट्यूड, डेटा पैकेट्स, यूज़र सेटिस्फैक्शन एंड डिग्री ऑफ एडेप्शन आर मेजर ऑफ द यूसेज ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम. ओके, सो यहाँ पे इंटरेक्शन फेल्यूर जो है वो यूज़र एंड से हो सकता है. सो दैट विल बी रिगार्डिंग टू द एंड यूज़र यूसेज. ओके, दैट कंटेन्स द एटीट्यूड्स, द डेटा पैकेट्स और द यूज़र सेटिस्फैक्शन. ठीक है, तो यहाँ पे यूज़र सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कम्प्लीटली. ठीक है, जो भी प्रोडक्ट यूज़र यूज़ करेगा, ओके, तो यूज़र्स के जो नीड्स है, ठीक है, तो वो प्रोडक्ट में सेटिस्फाई होना चाहिए. ठीक है, अगर वो सेटिस्फाई नहीं होता है, सो देर इज़ अ इंटरेक्शन फेल्यूर इज देयर. फोर्थ इज़ द रीज़न, दैट इज़ एक्सपेक्टेशन फेल्यूर. सो दिस इज़ द इनएबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू मीट इन स्टेक होल्डर्स रिक्वायरमेंट एंड एक्सेप्शंस और द एक्सपेक्टेशन और द वैल्यूज. ओके, सो दैट इज़ द एक्सपेक्टेशन फेल्यूर. ठीक है, सो अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ फेल्यूर्स इज़ वाई सिस्टम इज़ फेल. ठीक है, तो अदर जो क्लासिफिकेशन किया है MIS के फेल होने का, दैट इज़ वाई द सिस्टम इज़ फेल. सो इन दैट द फर्स्ट वन इज़ द पोअर डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस. ठीक है, सो दीज टाइप आर फेल्यूर ब्रॉट अबाउट बाय एरर्स इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड इट इंक्लूड्स. ठीक है, तो ये जो पोअर डेवलपमेंट प्रैक्टिस है, मीन्स इट इज़ रिलेटेड टू द एरर्स इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. ठीक है, क्योंकि MIS में हम जो है वो वहाँ पे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं इन प्रॉपर फॉर्मेट में, एंड वो डेटा रहेगा सॉफ्ट कॉपी में, मीन्स इट इज़ अ इट रिक्वायर्स द सॉफ्टवेयर. ओके, सो इफ देर इज़ एरर इन दैट सॉफ्टवेयर, सो देर इज़ अ पुअर डेवलपमेंट. ओके, सो फर्स्ट रीज़न दैट विल बी इंक्लूड इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज़ द पुअर टेस्टिंग ऑफ प्रोग्राम. ठीक है, तो जो भी सॉफ्टवेयर मेड होगा, ठीक है, तो उसको पहले टेस्ट करना पड़ेगा. ठीक है, इफ़ दैट टेस्टिंग इज़ ओके, देन आफ्टर दैट इट विल बी इम्प्लीमेंटेड इन द MIS सिस्टम. इफ़ इट हैज़ एनी प्रॉब्लम एंड स्टिल दैट सॉफ्टवेयर विल बी यूज इन द MIS सिस्टम, सो देर इज़ अ पुअर डेवलपमेंट और देर इज़ अ फेल्यूर इन द MIS सिस्टम. सेकेंड रीज़न इज़ द मेकिंग द इनकरेक्ट अजम्पशंस एज टू रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिस्टम. ठीक है, तो यहाँ पे इनकरेक्ट अजम्पशंस जो है हम वहाँ पे अज्यूम करेंगे. ठीक है, तो उसकी वजह से भी सिस्टम फेल्योर हो सकता है. थर्ड,
प्रोवाइडिंग पुअर और इनसफिशियंट डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इनसफिशियंट डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, या इम्प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, सो दैट विल बी ऑल्सो रीजन ऑफ फेल्योर। एंड फोर्थ वन इज़ द पुअर यूज़र इंटरफेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंटरफेस यूज़ होगा सॉफ्टवेयर में, मीन्स उससे जो यूज़र है इंटरेक्ट विद द दैट सॉफ्टवेयर थ्रू अ सिस्टम, ठीक है, अगर वो पुअर है, मीन्स मोर कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर है, ठीक है, तो वो भी एक रीज़न है फेल्योर का। ओके, सो दीज आर द मेन फोर रीजन्स। सेकेंड वन इज़ द एंड यूज़र और एंटिटी प्रॉब्लम। सो दीज आर द फेल्यूअर्स कॉज मेनली बाय एरर्स ऑन द पार्ट ऑफ आइदर द एंड यूज़र और द एंटिटी दैट आर यूजिंग रिक्वेस्टिंग द सिस्टम, एंड दैट इंक्लूड्स, ठीक है। तो एंड यूज़र और एंटिटी प्रॉब्लम इज फेल्यूअर रिलेटेड टू द एरर्स ऑन द पार्ट ऑफ एंड यूज़र, ठीक है। तो एंड यूज़र यहाँ पे जो है वो कस्टमर है, ठीक है। तो एंड यूज़र के रिगार्डिंग अगर कोई एरर जनरेट होता है, सो दैट विल बी काउंटेड इन द दिस एंड यूज़र और एंटिटी प्रॉब्लम। सो देर आर मेन थ्री रीजन्स दैट विल बी इंक्लूडेड इन इट। फर्स्ट वन इज़ द प्रोवाइडिंग इनकरेक्ट स्पेसिफिकेशन फॉर द सिस्टम, ठीक है। तो फर्स्ट जो है, जो इनकरेक्ट स्पेसिफिकेशन है, ठीक है, रिगार्डिंग द सिस्टम, जैसे हम कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, ठीक है, तो सॉफ्टवेयर के लिए कुछ मेन फीचर्स दिए रहते हैं, मीन्स सिस्टम रिक्वायरमेंट, ठीक है, तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, कितना उसका रैम होना चाहिए, रोम होना चाहिए, तो ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के लिए वहाँ पे स्पेसिफाई किया होता है, ठीक है। तो वही सॉफ्टवेयर उसी सिस्टम पे रन करेगा करेक्टली, ठीक है। अगर ये इंफॉर्मेशन वहाँ पे अगर रॉन्ग है, ठीक है, तो क्या होगा, अगर वो सॉफ्टवेयर हम डाउनलोड करके इंस्टॉल भी करते हैं तो दैट विल सेंड अ एरर, ठीक है। सो दैट इज़ द फर्स्ट कैटेगरी। सेकंड, एंटरिंग एरनस डेटा, ठीक है, मीन्स रॉन्ग डेटा अगर एंटर किया हमने, ठीक है, सो दैट विल बी ऑल्सो एंड यूज़र फेल्योर। थर्ड वन, नॉट प्रोवाइडिंग द ट्रेनिंग फॉर द एंड यूज़र, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जो कस्टमर या यूज़र है, अगर उसको हमने सॉफ्टवेयर के रिलेटेड कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं किया है, ठीक है, तो वो उसे सेटिस्फैक्टरीली यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल्सो रीज़न ऑफ फेल्योर। थर्ड वन इज़ द इम्प्लीमेंटेशन और द हार्डवेयर एरर्स। सो दीज फेल्योर्स आर दोज दैट आर मेनली कॉज बाय द हार्डवेयर फॉल्ट्स और बाय द एंटिटी नॉट हैविंग द रिसोर्सेज नेसेसरी टू मेक द स्पेसिफाइड सिस्टम यूजेबल। ओके, तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन और हार्डवेयर एरर्स है, दे आर रिलेटेड मेनली ड्यू टू द हार्डवेयर फॉल्ट, ठीक है। तो जो भी हार्डवेयर यूज़ होगा, ठीक है, दैट विल बी इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट और द PCBs, अगर उसमें कोई एरर जनरेट होता है, ठीक है, या फॉल्ट जनरेट होता है, सो दैट विल बी टेकन एज अ इम्प्लीमेंटेशन और हार्डवेयर एरर। ओके, सो देर आर सम रीजन्स आर गिवन हियर फॉर दीज हार्डवेयर एरर्स। फर्स्ट वन इज़ द डैमेज हार्डवेयर, ठीक है, अगर जो हार्डवेयर हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर वो डैमेज हो गया, सो दैट विल सेंड द हार्डवेयर एरर। सो दैट इज़ द वन ऑफ द रीज़न। सेकंड वन इज़ द बैडली डिज़ाइन हार्डवेयर, ठीक है। सेकंड जो रीज़न है वो जो हार्डवेयर डिज़ाइन होगा, ठीक है, प्रोडक्ट के लिए या सॉफ्टवेयर के लिए, ठीक है, तो वो हार्डवेयर अगर बैडली डिज़ाइन किया है, ठीक है, इनकरेक्ट डिज़ाइन किया हुआ है, सो दैट इज़ ऑल्सो रीज़न ऑफ जनरेशन ऑफ हार्डवेयर एरर्स, ठीक है। तो इसकी वजह से भी हार्डवेयर एरर जनरेट हो सकते हैं। थर्ड रीज़न इज़ अ पुअर फिट बिटवीन द सिस्टम एंड द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो जो भी सिस्टम हम यूज़ करेंगे एंड ऑर्गेनाइजेशन जो यूज़ करेगा वो सॉफ्टवेयर, ठीक है, या हार्डवेयर, ठीक है, तो उनमें अगर डिफिशियंसी है, देर इज़ अ पुअर फिट इन बिटवीन द सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सो इन दैट कंडीशन ऑल्सो देर इज़ अ एरर इन द हार्डवेयर। सो दीज आर द मेन थ्री रीजन्स फॉर द हार्डवेयर एरर जनरेशन। तो आज का लेक्चर हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम जो रीजन्स है, ठीक है, MI सिस्टम फेल्योर होने के, सो दैट विल बी स्टडी इन डिटेल। सो थैंक यू।